हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के चार साल, वो चार साल जिसमें जीएसटी फेल हो चुका है पूरी तरीके से, और उसके क्या क्या रीजंस रहे हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं हम वैट की तरफ। आखिर वैट सिस्टम क्या है? दोस्तों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार जिस टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल करती थी वो था वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स एक कंजम्पशन टैक्स है जो कि हर एक स्टेज पे, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट के सेल तक, हर एक स्टेज पे ये टैक्स लगता था, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होता था सरकार अपना प्रॉफिट लेती थी। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2005 में, मनमोहन सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये टैक्स काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था। इसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा ये मत नहीं है कि मैं जीएसटी के खिलाफ हूँ या वैट के खिलाफ हूँ, लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपके सामने रखूँगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन फेलियर है। लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक जीएसटी एक फेल टैक्स सिस्टम रहा है। दोस्तों, सप्लाई चेन जब चलता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके पूरा सेल तक हर एक स्टेज पे एक टैक्स लगता है। उस टैक्स को लगाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो कि वैट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर एक स्टेज पे टैक्स लगाती थी। डिफरेंट रेट्स हर डिफरेंट स्टेट्स में होता था। जब सपोज कर लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जब वो दूसरे स्टेट्स में भी जाएगा वो प्रोडक्ट, हर एक स्टेट के पास अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी पावर होती थी, अपनी पावर होती थी कि वो उस टैक्स, उस प्रोडक्ट पे अपने हिसाब से टैक्स लगाए। किस कंडीशन में वो टैक्स लगाती थी? अगर स्टेट की इकॉनमी ऊपर है, स्टेट रिच है तो टैक्स ज़्यादा लगता था, स्टेट पुअर है तो टैक्स कम लगता था। ये सारे कारण देखते हुए टैक्स लगाया जाता था। स्टेट के पास अपनी पावर होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती थी स्टेट को कि यही टैक्स आपने लगाना है, क्योंकि स्टेट अपने हिसाब से अपना राज्य देखेगी, क्योंकि स्टेट को ज़्यादा बेटर पता है कि हमारी स्टेट की इकॉनमी कितनी है और लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ये वैट का फीचर था। इसके बाद स्मॉल बिजनेसेस पे वैट एनफोर्स नहीं किया गया था। जैसे मान लीजिए कोई गोलगप्पा बेचने वाला है, गोलगप्पे बेचने वाले को नहीं था कि वो वैल्यू एडेड टैक्स भी देगा। वो अपना दिहाड़ी लगाता था, दिन का जितना कमाता था उतना पूरा अपने घर पर ले जाता था। ये स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, इस स्मॉल यूनिट्स को सरकार ने एनफोर्स नहीं किया कि वैट उन पे भी लगाया जाए। वो क्यों नहीं किया, उसका फ़ायदा क्या होता है इकॉनमी में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। स्मॉल बिजनेस में जिसकी वजह से बर्डन नहीं हुआ, और कांग्रेस के टाइम में जो स्मॉल बिजनेसेस थे वो काफ़ी बड़े बिजनेस बन के सामने आए, क्योंकि उन पे किसी भी प्रकार का ज़्यादा बर्डन नहीं रखा गया था। हाँ, उनको ऐसा कोई माहौल भी नहीं दिया, लेकिन उन पे कोई बर्डन भी नहीं डाला कि वो उस बर्डन के तले दब जाए और वो फिर अपना बिजनेस को ग्रो ना कर सके। ये वैट के कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको समझाए। और कोई डिजिटलाइजेशन मेथड नहीं था, कोई वन वैल्यू नहीं था सबके लिए कि सबको एक ही वैल्यू में रहना है, और अगर कभी टैक्स का कुछ इशू बन जाता था तो उसके लिए कोर्ट केसेस के कोर्ट के दरवाजे खुले हुए थे। जो लोग, जिसको भी ग्रीवेंस है टैक्स से, वो कोर्ट जा सकता था। ऐसा प्रोसेस चलता था, बेमतलब का नहीं चलता था। अब हम आते हैं जीएसटी की तरफ। जीएसटी क्या है? जीएसटी दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो मेरे ओपिनियन के मुताबिक घटिया और सड़ा हुआ टैक्स है। कैसे? सबसे पहले तो एक ही रेट सभी गुड्स में रखे गए हैं। वो गुड्स अगर दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो उन स्टेट्स को भी वही रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो नहीं देख सकते कि हमारी स्टेट की इकॉनमी कितनी है कितनी नहीं है। सीएसटी और जीएसटी टाइप जो है वो वहाँ पे लगाए जाते हैं, स्टेट लेवल के जीएसटी वहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें स्टेट को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो अपने स्टेट की इकॉनमी को देखते हुए उस पर्टिकुलर गुड्स पे टैक्स लगाए। ये सबसे पहला ड्रॉबैक था इस टैक्स का। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? इवन ये स्मॉल बिजनेस पे भी एनफोर्स किया गया था। मान लीजिए एक गोलगप्पे वाला है, वो अपना बिजनेस चला रहा है और वैल्यू एडेड टैक्स जब तक लगा हुआ है वो दिन का दिहाड़ी अपने घर ले जाता है, उसको वैट भरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जीएसटी आ जाता है, जीएसटी उसको करना ही है, जीएसटी अप्लाई करना है, रजिस्टर करवाना है, फिर उसके बाद उसको जीएसटी भी पे करना है। अब आप मुझे बताइए, अब वो कमाएगा क्या और जीएसटी कितना पे करेगा? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार आखिर दे क्या रही है उस स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए, कि वो अपना स्मॉल बिजनेस का एक एनवायरनमेंट, स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको एक एनवायरनमेंट भी मिले और साथ ही वो जीएसटी भी पे करे, उसको जीएसटी पे करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आखिर सरकार ने तो ऐसा कोई स्टेज तो तैयार किया नहीं स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। और एक चीज़ और होगी इसमें कि डिजिटलाइजेशन की वजह से जब वन वैल्यू सभी गुड्स में लगने लग गए, सभी स्टेट्स के लिए लगने लग गए, तो डिजिटलाइजेशन इन्होंने लाया कि डिजिटलाइजेशन के थ्रू आप रजिस्टर करवाओ और टैक्स पे करो, जिसकी वजह से ये प्रोसेस और ये जो सिस्टम था ये एकदम रिजिड हो गया।
अब रिजिड होने से नुकसान क्या हुआ, जैसे सपोज़ कर लीजिए कहीं आपको डिजिटलाइजेशन की वजह से पता नहीं चल पाया, क्योंकि हर लोग डिजिटल नहीं है, हर लोगों को नहीं आता कि कैसे जीएसटी जो है डिजिटलाइजेशन की मदद से टैक्स पे कर सके। सपोज़ कर लीजिए एक मिनट के लिए कि वो किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए 30,000-40,000 का टैक्स किसी पर्सन पे पड़ जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको पता नहीं चला कि मेरे पास मेरे ऊपर जीएसटी इतना पड़ा, और फिर उसको अब बताना है सरकार को कि मुझे नहीं पता चला, मैं नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन अपनी तरफ से क्लियर था, मुझे तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो मैं क्यों ये पे करूं? क्योंकि जितना फ़ायदा होगा उतने का ही उसको पे करना है, जैसे वैट में था, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। तो वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, उसको वो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में जाके कंटेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है। फिर तो वो इंसान फंसा रहा, वो अपना बिजनेस चलाए या जीएसटी काउंसिल में जाके केस करें या वो पे करें, जो कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सारी जो परेशानियाँ हैं जीएसटी में आने लग गई। इसके बाद दोस्तों एक और परेशानी थी जो कि जीएसटी में आई, वो ये थी कि जीएसटी इम्पोज करने के बाद कई सारे स्मॉल बिजनेसेस शट डाउन हो गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के रिपोर्ट के मुताबिक 63 मिलियन स्मॉल बिजनेस थे, जिसमें वो 63 मिलियन स्मॉल बिजनेस 32% इकॉनमी कंट्रीब्यूट करता था इंडिया की इकॉनमी में, वो बंद हो गए। और इसके बाद कई सारे 111 मिलियन पीपल जो कि एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब इसमें कौन कौन से स्मॉल बिजनेस थे जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए, वो थे रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, बेसिक मशीनरी, ये सारे सबसे ज़्यादा हिट किए गए जीएसटी के द्वारा। 5 मिलियन वर्कर्स ने, और 5 मिलियन से 100 मिलियन पीपल तक लोगों ने अपनी जॉब्स खोई। दोस्तों ऐसा नहीं था कि स्मॉल बिजनेसमैन ने, अब आप कहेंगे कि स्मॉल बिजनेसमैन ने क्या कोई रोष नहीं प्रकट किया या प्रोटेस्ट नहीं किए, बिल्कुल किए। गुजरात में ही, जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, गुजरात से ही गुजराती जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स थे उन लोगों ने जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किए 2018 में, और उन्होंने अपना रोष प्रकट किया कि ये जीएसटी जो है ये लूट मार करने का एक सिस्टम है, जिसमें दुकानदारों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। बड़े बिजनेस को ये अफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा, उनको भी किया है, यहाँ तक कि उनको भी किया है, लेकिन उनको फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन हमारे वालों जो, हमारे जो स्मॉल बिजनेसमैन थे उनको बहुत, और मिडिल बिजनेसमैन थे जो स्मॉल और बिग बिजनेसमैन के बीच में आते हैं, उनको काफ़ी अफेक्ट किया ये बिज़नेस, ये जीएसटी सिस्टम। इसके बाद दोस्तों बीजेपी को फिर भी शर्म नहीं आई। बीजेपी ने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्डन टेम्पल के लंगर में भी टैक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन जब लखनऊ प्रबंधक कमेटी ने इसके खिलाफ रोष प्रकट किया तो उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया, माइंड चेंज कर दिया। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने अटेम्प्ट किया कि मैं यहाँ से भी पैसा खींचूं। अब दोस्तों इसका, अब आप कहेंगे कि ये जीएसटी सिस्टम जो है ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम टैक्स दें। बिल्कुल दोस्तों हमारा कर्तव्य है ये टैक्स देना, हमने कभी कहा भी नहीं कि हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो अपना बिज़नेस कैसे चलाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे? आप जानते होंगे चाइना का क्या सिस्टम रहा है, चाइना क्या करता है, अपने स्मॉल बिज़नेस को ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करके देता है, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ, ताकि वो स्मॉल बिज़नेस जब बिग बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाए, वो बिग बिज़नेस जो है फिर उससे जो फ़ायदा होगा, फिर चाइना उससे अपना टैक्स देता है, सरकार के खजाने में वो पैसा जाता है। उसके अलावा जो बिग बिज़नेस बाहर, उसको अपना सामान एक्सपोर्ट करना है, सरकार उसमें भी हेल्प करती है कि वो उसका सामान बाहर एक्सपोर्ट करवाए, और जब ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट होता है फिर उसका जो फ़ायदा होता है वो भी फिर सरकार उस फायदे को लेती है। इस तरीके से चाइना ने अपनी इकॉनमी को ऊपर लाया है। ये नहीं किया कि हर जगह से पैसा खींचो, हर जगह से पैसा खींचो, जहाँ से मर्जी आए पैसा खींचो और अपने खजाने में भरते जाओ और GDP इम्प्रूव करते जाओ। बिज़नेस का एक रूल ये होता है, सपोज़ कर लीजिए एक गोलगप्पा बेचने वाला है, आपने उससे टैक्स लिया, सरकार ने उससे टैक्स लिया, तो सरकार ने दिया क्या उसको कि वो अपना बिज़नेस को ग्रो कर सके? अब आप कहेंगे बिल्कुल दिया, मेक इन इंडिया प्रोसेस, मेक इन इंडिया। दोस्तों द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक मेक इन इंडिया जो है वो फेल हो चुका है, 2019 से 20 तक आते आते वो कम्प्लीटली फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार कहते हैं कि हमारे पास संसाधन देने के लिए, सामग्रियां देने के लिए फ्री में, ताकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके स्मॉल बिजनेस को बिग बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, वो अभी इतनी जल्दी हो नहीं सकता। जब इतनी जल्दी हो नहीं सकता तो फिर सरकार ने ये मेक इन इंडिया का ऐलान क्यों किया? पहले उनको, पहले ये सब चीज़ें अपनी सेट कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद उनको मेक इन इंडिया का ऐलान करना चाहिए था। तो मेक इन इंडिया भी फेल है। तो अब आप सोचिए, जीएसटी
और वैट में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वैट बिल्कुल परफेक्ट था, वैट भी कई मामलों में उसके भी ड्रॉबैक्स थे, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम उसमें वैट में नहीं था, जिसकी वजह से सरकार को नुकसान होता था, इकॉनमी बहुत स्लो बढ़ रही थी। लेकिन जीएसटी आने से भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, जीएसटी आने से उल्टा लोगों पे बर्डन पड़े, स्मॉल बिजनेस बंद हो गए, जो मेक इन इंडिया का प्रोपोगेंडा था वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। फिर आपने ये जीएसटी क्यों लाया? सिर्फ लोगों के जेब से पैसा खींचने के लिए, ताकि स्मॉल बिजनेस बंद हो जाए। मनमोहन सिंह जो कि सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं दोस्तों, बेशक वो हार्वर्ड में पढ़े हैं और आप उनका जितना भी मजाक उड़ाएं, लेकिन हार्वर्ड में पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसका ये एक स्ट्रैटेजी था दिमाग में, वो स्मॉल बिजनेस को फोकस करके रखता था, क्योंकि उसको पता था यही स्मॉल बिजनेस कल को बिग बिजनेस बनेंगे, उसके बाद फिर ये हमें फ़ायदा होगा और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जीएसटी ने उल्टा ही काम कर दिया, जीएसटी ने सभी स्मॉल बिजनेस को बंद करवा दिया, इकॉनमी में बहुत बड़ा इफेक्ट डाला और उसके बाद एक बर्डन डाल दिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो रहा ही नहीं। तो ये सारा दोस्तों था जीएसटी, 4 ईयर्स ऑफ जीएसटी। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक जीएसटी एक घटिया सड़ा हुआ टैक्स सिस्टम है, क्योंकि आप सिर्फ चीज़ें उसमें ले रहे हो, दे कुछ नहीं रहे हो बिज़नेस चलाने के लिए, आपको सिर्फ पैसों का लालच है। आप सोचते हो कि पैसा ले के, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, कि पैसा ले के आप सोचते हो कि हम अपनी जीडीपी को इम्प्रूव करेंगे, इकॉनमी ऐसे नहीं चलती। इकॉनमी में आपको बिजनेसेस बढ़ाने पड़ते हैं, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ता है, उनको एनवायरनमेंट देना पड़ता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। फिर उसके बाद अभी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी ही नहीं है, पहले ही वो आपको टैक्स दे, तो ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है, हमारे हक के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें संविधान अधिकार देता है, संविधानिक अधिकार, उसके खिलाफ है। और इस जीएसटी पे की मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए, या ये जीएसटी हटा के दोबारा से वैट सिस्टम लाओ और उसको इम्प्रूव करो, या जीएसटी को इम्प्रूव करो, कुछ ऐसा अल्टरनेट होना चाहिए जिससे स्मॉल बिजनेस दोबारा से ग्रो कर सके, हमारी जीडीपी उससे बढ़ सके, इजी ढंग से खजाना भरे सरकार का, ये ना हो कि सबसे पैसा खींच खींच के भरे। ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।